सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 16 वाक्यांश बोधक शब्द पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में वन वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। आप लोगों को मालूम है, जब हम भाषा बोलते हैं तो इतने सारे शब्दों का प्रयोग करने की बजाय अगर हम उसका संक्षेप में एक शब्द में बोल देते हैं तो उससे क्या है, भाषा संक्षिप्त भी हो जाती है, छोटी हो जाती है और बोलने में सुंदर भी लगती है, सुनने वालों को भी अट्रैक्टिव लगती है, प्रभावित लगती है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जिनको हम एक शब्द में भी बोल सकते हैं, जैसे एक दूसरे की को मदद देना, यानी सहयोग देना, जो अपने देश का नहीं है विदेशी, और जो अपने देश का हो देशी। तो इस तरह से जो शब्द आए ये एक शब्द है। और कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको इसमें, जैसे जिसे परवाह नहीं हो, लापरवाह। वाक्य में आप देखिए, आवाज़ से होने वाला प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। अब आवाज़ से होने वाला प्रदूषण, इसको अगर हम संक्षेप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। ऐसे ही आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं। बहुत से शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा संक्षिप्त, चुस्त और प्रभावशाली बनती है। ऐसे शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, जैसे एक दूसरे को मदद देना यानी सहयोग देना, जो अपने देश का नहीं है विदेशी। अब ऐसे कुछ और शब्द मैं पढ़कर बता रही हूँ आपको, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, डाका डालने वाला डाकू, जो शिक्षा देता हो शिक्षक, जो धोखा देता है धोखेबाज, जो डाक बांटता है डाकिया, जो खोज करता है खोजी, जो शहर में रहता है शहरी, जो पानी में रहता है जलचर। ऐसे ही आते हैं, जो थल में रहता है थलचर, जो नभ में रहता है नभचर, जहाँ चार रास्ते मिलते हैं चौराहा, जिसका कोई सहारा नहीं बेसहारा, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जो फौज में नौकरी करता है फौजी, जो सेना में नौकरी करता है सैनिक, जो भीख मांगता है भिखारी, जो लायक नहीं है नालायक। ये तो मैंने आपको आपके चैप्टर के पढ़कर बता दिए। अब इसके आगे पेज नंबर 76 पर अभ्यास कार्य भी देख लीजिए, हालांकि वो मैं पहले करा चुकी हूँ, फिर भी जिन बच्चों ने नहीं किया वो ध्यान से सुन लेंगे। रेखा खींचकर उचित जोड़ियाँ मिलाइए, जो खोज करता है खोजी, चोरी करने वाला चोर, जो भीख मांगता है भिखारी, जो फौज में नौकरी करता है फौजी, जो लायक नहीं है नालायक, जो डरता है डरपोक। नंबर 2 है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर शब्द समूह के सामने लिखिए, जिसे भूख लगी है भूखा, जो शिकार करता हो शिकारी, मास में एक बार होने वाला मासिक, जिसे चोट लगी है घायल, आवाज़ से होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, जिसकी आत्मा महान हो महात्मा, जो शिक्षा देता हो शिक्षक, जो डाक बांटता है डाकिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, वाक्यांश के लिए सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। आपको इसमें अनेक शब्द दिए, उनके आगे 3-3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सही आंसर पर आपको टिक करना है। नंबर 1, जहाँ चार रास्ते मिलते हो चौराहा, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जिस भूमि में खूब उपज हो उपजाऊ, जो धोखा देता है धोखेबाज, डाका डालने वाला डाकू। आगे नेक्स्ट पेज पर देखिए, रंगीन छपे शब्दों के लिए एक शब्द सोचिए और वाक्य फिर से बोलिए। नंबर 1, मुझसे बूढ़े का सर्दी से कांपना देखा नहीं गया। इसमें सर्दी से कांपना, इसका एक शब्द बताना है, तो मुझसे बूढ़े का ठिठुरना देखा नहीं गया। सुबह खुली हवा में धीरे धीरे घूमना अच्छा होता है, धीरे धीरे घूमना का एक शब्द में होगा टहलना, तो सुबह खुली हवा में टहलना अच्छा होता है।
रबड़ उपयोग में आने वाला पदार्थ है। उपयोग में आने वाला का एक शब्द होगा उपयोगी। रबड़ उपयोगी पदार्थ है। ध्वज आवाज से होने वाला प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। आवाज से होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। वर्षा के बाद सात रंगों वाला धनुषाकार पट्टा दिखाई दिया। सात रंगों वाला धनुषाकार पट्टा यानी इंद्रधनुष। वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई दिया। यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार होता है। सप्ताह में एक बार यानी साप्ताहिक। यह कार्यक्रम साप्ताहिक है। गांधी जी केवल अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करते थे। अपने देश की यानी देशी। गांधी जी केवल देशी वस्तुओं का उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। नीचे दिए हुए शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखिए। चित्र बनाने की कला चित्रकला, जिसे परवाह नहीं है लापरवाह। साथ पढ़ने वाला सहपाठी, हानि पहुंचाने वाला हानिकारक। जो घर रसोई के लिए है रसोई घर। साथ यात्रा करने वाला सहयात्री, जो पानी में रहता है जलचर। जिसका कोई सहारा ना हो बेसहारा। तो बच्चों आपने इसमें अनेक के लिए एक शब्द, यानी किस तरह से हम अनेक शब्दों को छोटा करके एक शब्द में बोल सकते हैं, जिससे कि हमें बोलने में भी अच्छा लगे और सुनने वालों को भी अच्छा लगे। थैंक यू।